गुरु जी आपका चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी आपका जो प्रमोशन है मैं 4 साल से सुन रहा हूँ और मैं इधर नहीं कतार में रहता है और कतार में 40 साल से उधर नौकरी कर रहा है और 4 साल से आपका प्रमोशन सुनता है, इतना अच्छा लग रहा है और दूसरा का भी और दूसरा भी सुनता है। लेकिन मैं बहुत आदमी कतार में ले भी गया, 400-500 के ऊपर आदमी लेके गया और पूरा फैमिली भी उधर है, बच्चा लोग भी उधर है। लेकिन जब अभी अभी आप जो बोला है मैं ऐसा तो गलत कर दिया, मैं ले गया तो अपना आदमी को ज़्यादा ले गया और अपना आदमी को 2 करोड़ रुपया भी दिया। 2 करोड़ रुपया दिया? 2 करोड़ रुपया किसको? या हमारा अपना आदमी है, बिल्कुल अपना है, दोस्त है, भाई है, भाई भाई नहीं है, जैसा हमारा बीबी का भाई है, साला साला है, नाम ही साला है। और आखिर में ये लोग ऐसा कि हमारा जो बेटी 20 साल तो वो साला 2 करोड़ रुपये लेके फरार, वो बोला फरार नहीं है मैं दिया था तो वो दे नहीं रहा वापस। अब बोला तो देने के लिए बोलता किसका पैसा है, क्या पैसा है? मैं तो हमारा इस्कॉन का भक्त, किसी को पैसे मत दो, किसी को आज के युग में पैसे का व्यवहार मत रखो। जितनी और आप रिश्तेदारों को पैसा दो तो ये सोच के दो कि वापस नहीं आना, ये तुम्हारी हिम्मत है तो दे दो, पर वापस आएगा ये मत गारंटी लो, आएगा ही नहीं। ये धरती अब हरिश्चंद्रों की नहीं है, बेईमानों की है। आखिर में मैं बहुत खुश, अब हरिश्चंद्र चले गए, बेईमान बेईमान अब बचे हैं। जहां आप भला करोगे तो आपकी छाती में खंजर और मारेंगे, ऐसे लोग बचे हैं अब। इसलिए आप केवल पानी बरसेगा तो आप रोक तो नहीं सकते बरसात को, पर छतरी लगा के अपना बचाव करो। बस आप अपना बचाव करो, किसी को जरूरत पड़े तो ऐसे दो कि भाई अब वापस नहीं आएगा, सहयोग करो, जरूरत रोटी दाल से सब सपोर्ट करो, पर करोड़ों जो बांट रहे हो आप नहीं, वो भी किया मैं, तो आप 2-2 करोड़ सबको बांट देते हो, नहीं 2-2 करोड़ हमें भी दोगे कुछ? अभी 24 साल से उपवास खिला रहा मैं, उधर में हर फ्राइडे को मैं प्रसाद खिलाता हूँ 24 साल। हाँ, समाज की सेवा करो, सालों को पैसा बांट रहे हो 2-2 करोड़। इधर भी किया, पूरा इंडिया में भी बहुत जगह मंदिर में मैंने डोनेशन दिया, पूरा इंडिया में भी। पैसा से दोस्ती नहीं, रिश्तेदारों को केवल पैसा, आपके पास जरा पैसा आएगा रिश्तेदार पहले आ जाएंगे, हमें जरा जरूरत है दे दो दे दो दे दो, और दे तो देंगे आप तो भले के लिए देंगे, पर वो वापस करें तो अच्छा भी है, पर वापस करते नहीं आज के जमाने में, ये बात सही है कि नहीं? 99% लोग वापस नहीं करते, 1% लोग ही भले लोग हैं समाज में जिनके बल पे चल रहा है सब, वो ठीक है। गुरु महाराज, गुरु जी मेरा और असली जो प्रश्न है, आखिर में वो लोग क्या किया, जो मेरा बेटी जो केमिकल इंजीनियर है, मेरा 3 बेटी है, एक का छोड़कर दोनों बेटी को तांत्रिक कर दिया और मेरा खुद बीबी का भी तांत्रिक किया। कौन? भाई ने? वो लोग ने किया, साला ने। आखिर में मेरे भी किया, भगवान का कृपा से। सोचो जब वो अपनी भांजी और अपने बहन का सगा नहीं हुआ तो जीजा का सगा हो जाएगा? शकुनी यदि अपने जीजा का सगा होता तो दुर्योधन को उल्टा पाठ क्यों पढ़ाता? शकुनी के जीजा धृतराष्ट्र, भांजा दुर्योधन, यदि वो हित चाहता तो दुर्योधन को गलत पाठ क्यों पढ़ाता? गलत करने से रोकता ना, कि भाई मामा तो बड़ा होता है, भांजा तो बच्चा है, क्यों नहीं रोका, गलत काम करवाया? कुछ लोग होते ही हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, इसलिए आपका भला केवल आप चाह सकते हैं। इस धरती पे आपका भला केवल आप चाहिए और दूसरा कोई चाह ही नहीं सकता आपका भला, ना तो आपका भाई। भाई को आप देते रहो तो भाई खुश, नहीं दोगे तो भाई आपका दुश्मन। परिवार को देते रहो परिवार खुश, परिवार को नहीं दोगे परिवार आपका दुश्मन। संसार स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए अपना भला केवल आप चाहते हैं, इसलिए आप अपना भला चाहो। आपकी पत्नी बढ़िया है तो वो आपका भला चाहेगी, आपके बच्चे हैं पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, बस बाकी रिश्तेदार हमारे तो 2 ही रिश्तेदार।
गुरु जी, एक हमारी राधा रानी, दूसरी वहां की बिहारी सरकार, झंझट में पड़ो ही। गुरु जी मैंने अभी तक वो लोग को कुछ बोला भी नहीं है, कुछ बोल भी नहीं सकते। अब आप क्या बोलोगे? और वो लोग का साथ वो कह देंगे कि भाई है ही नहीं कुछ, क्या करोगे? नहीं, मेरा बेटे के ऊपर जो तांत्रिक किया और मेरा ऊपर तांत्रिक वांत्रिक तो ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। वो ठीक हो गया, बस राधा रानी की कृपा से, ठाकुर रानी की कृपा से ठीक हो गया। मेरा बीबी भी ठीक हो गया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? इतना गलत काम किया और उसका साथ दूसरा आदमी भी मिल गया, फिर दूसरा आदमी भी मिल गया सनमना। तो अब आप इधर, अब आप ऐसे कितने साले हैं? नहीं, साला है एक, है एक नहीं दो है, दो तो एक को 2 करोड़ दिया, दूसरे को भी 2 दे दो, हिसाब बराबर। फिर आपके पास क्या बचेगा? 0 बड़ा सन्नाटा, अपना चले जाओ जंगल। आखिर में मेरा मालिक जो हमको इतना प्यार करता है, मेरा बगैर खाना या भी नहीं खाता। पैसा आए तो बांटो मत, पैसा आए तो समाज की दीन दुखियों की सेवा करो, भोजन भूखे को खिलाओ, प्यासे को पानी, रिश्तेदारों को करोड़ दे दो तो भी वो भूखे के भूखे रहेंगे, और परिवार को आप अपने भाई भतीजे बाद में लुटाओ, सारा लुटाने के बाद भी वो लोग यही कहेंगे कि तुमने किया ही क्या है। यही रीति है, आप लोग समझते नहीं, इसलिए भगवान का भजन करो। अब जो कमा रहे हो सुरक्षित रखो। नहीं, भजन तो मैं तो दिन में तो 12 घंटा भजन कर रहता हूं, फिर पैसा भी कमाओ। पैसे कमाता अभी क्या कर, हमारा जो मालिक है मैं बहुत प्यार करता हूं, अभी मालिक को भी तांत्रिक करके अभी हमको फिनिश करके इधर से भेज दिया कतर से, अभी क्या कर सकता है आपसे हम नसीब। अभी तो आप जो है अपना काम करो, पैसा कमाओ, भगवान का भजन भी करो, काम करते ही रहना चाहिए, पैसा कमाते रहो, कुछ करो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो। लेकिन वो लोग को किसके ऊपर छोड़ना चाहिए? जैसे ऐसा गलत काम किया, ए, इसको ऊपर क्या काम करना चाहिए? किसके ऊपर? अभी साले के ऊपर नहीं, जो लोग ऐसा काम किए, गलत काम किया, गलत का तो परिणाम देखो मिलता ही है। अच्छा, उन्होंने गलत किया तो ईश्वर तो है। अच्छा, थोड़ा ईश्वर की लाठी देर से चलती है, इसलिए दंड तो मिलना ही है, लेकिन देर से मिलेगा, तब तक आप अपना भजन करो और अच्छा काम करो। उनको तो ईश्वर दंड देगा, जो बेईमानी करेगा, किसी की 1 रुपए की बेईमानी किसी ने किया होगा तो उसके बाप को भी चुकाना पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है, मतलब मामी राधा रानी के ऊपर छोड़ देना, बिल्कुल, और कृष्ण को पर भगवान सब ठीक करेंगे। आप अपना कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सही राह पर चलो, बस खुश रहिए। कोटि कोटि नमन।